हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले, बिल्कुल फ्री है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे और टेंशन फ्री होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, सैयद चैनल, जिसमें आप सबको फिशेज़ के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो चलिए आज का वीडियो तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हर बार एक नया टॉपिक कर लेकर आता हूँ फिशेस के बारे में, आज एक नया टॉपिक है। आज फिशेस के बारे में नहीं है लेकिन एक टॉपिक है कि हीटर के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा हीटर रखें, कितना रखें, कौन सा बेहतर है टैंक के लिए और कितने टाइप्स के हीटर आते हैं। ये सब जानना एक फ़न है और एक एंटरटेनमेंट भी है और एक एजुकेशन भी है लोगों के लिए कि किस तरह के टाइप्स फिल्टर आते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में और कौन से बेस्ट है। ये लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत से लोग डाउट्स रहता है, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, तो मैं सोचा कि आज एक वीडियो बना दूँ इसके ऊपर। देखिए, टेम्परेचर का एक्वेरियम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिशेस जो है सही एनवायरनमेंट के लिए, इंसान के लिए, जैसा अपने बॉडी में से खुद गर्मी निकलती है, लेकिन फ़िशेस की इस तरह नहीं है, अपने आप से गर्मी नहीं निकलती बॉडी से फ़िशेस के, जो पानी के ऊपर डिपेंड करती हैं। पानी हीट है तो उनको भी हीट मिलता है, पानी कोल्ड हो तो वो भी कोल्ड हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है फ़िशेस के लिए, उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है पानी का टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो फ़िशेस जो है बहुत जल्दी मर जाती हैं। ज़्यादा हो तो भी तकलीफ़ है, कम हो तो भी तकलीफ़ है। देखिए, हीटर बहुत से आते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें आप देखकर मालूम कर सकते हैं, बहुत सी वेराइटीज़ हैं, बहुत से टाइप्स भी हैं। हीटर के बाद में बात करेंगे, इससे पहले कि हम जान लेंगे हीटर का साइज़ कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा लेना अच्छा है। आप ख़रीदने से पहले हीटर का लेना जानना ज़रूरी है कि हीटर कौन सा ले। यह डिपेंड करता है आपके टैंक के साइज़ के ऊपर। जैसा कि आपके पास हीटर जो है आधे 6 इंच का आता है, 12 इंच का आता है और 18 इंच का, तीन तरह के हीटर आते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास 1 फीट की टैंक है, 1 फीट की हाइट की, 1 फीट की है, तो आप 6 इंच का हीटर रख सकते हैं, या 1.5 फीट की या 3 फीट की, ऐसा हीटर है तो 1 फीट का रखें, और भी बड़ी है तो 1.5 फीट का हीटर रख सकते हैं। लेकिन एक बात है कि आप टेम्परेचर बराबर रखने के लिए, सही मेंटेन करने के लिए, बड़ा एक रखने के बजाय बड़ा दो छोटे छोटे रख दें ताकि मेंटेन आसानी से हो। एक हीटर फेल्ड हो जाए टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए तो दूसरा हीटर जो है काम करना शुरू कर देगा। ऐसा करें कि एक हीटर रखें 26 का रखें और दूसरा हीटर जो है 25 पे रखें। एक कम हो, एक ख़त्म हो गया, एक कुछ डैमेज हो गया तो दूसरा वर्क कर सकता है। ये बेहतर है कि आप एक बड़ा हीटर रखने के बजाय दो छोटे छोटे हीटर रखें, दोनों कोनों में दो लगाएं ताकि आपकी फ़िशेस जो है लॉन्ग लाइफ जी सके। एक अहम हिस्सा है फिश की ज़िंदगी के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, टैंक बड़ी है तो दो हीटर डालें। अगर 50 गैलन से कम है टैंक तो एक हीटर डालें और मिनी हीटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देखे होंगे जो फिश बॉल है, इसके लिए भी हीटर अवेलेबल है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़िश बॉल में हीटर नहीं रख सकते। अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप छोटे से छोटे बॉल में भी हीटर रख सकते हैं। इसलिए छोटे हीटर का जो नैनो टैंक है, 1 फीट की या आधी फीट की टैंक बनाते हैं लोग, 1 फीट की है या बॉल है, तो इसके लिए भी आप आसानी से छोटी जो 6 इंच का रहता है वो फिल्टर लेकर रख सकते हैं। और उससे भी छोटा अवेलेबल है, नैनो टैंक के लिए अलग मिलता है, वो भी लेकर रख सकते हैं। और हीटर प्लेसमेंट, जैसा मैंने कहा कि आप कहाँ पर हीटर लगा सकते हैं, किस तरह लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन। देखिए, इसका आंसर ये है सिंपली कि हीटर को उस जगह लगाएं जहाँ फिल्टर जो है आपका एयर को थ्रू करता है, पानी को थ्रू करता है। जैसा कि आप इनबिल्ट फिल्टर रखते हैं, फिल्टर जो है पानी को फेंकता है हवा के ज़रिए से, बाहर से हवा एयर लेके अंदर जो पुश करता है, जिसकी वजह से पानी जो है सर्कुलेट होता है, उस तरह रखें। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक तरफ राइट साइड में फिल्टर है, उसके अपोजिट साइड में हीटर लगा हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी जब सर्कुलेट होगा टैंक के अंदर तो हीट होते हुए सर्कुलेट होगा, जिसके से टेम्परेचर सही मेंटेन हो सकता है। दूसरी जगह ना लगाएं, क्योंकि दूसरी जगह अगर लगाएंगे तो पानी जो है सर्कुलेट नहीं होगा उस जगह पे, जो सिर्फ जहां पर करीब में है पानी वही हीट हो सकता है, दूर का उतना हीट नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि इसी जगह में लगाएं। और अगर दो हीटर लगा रहे हैं आप, जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे दो हीटर लगा रहे हैं, तो दो साइड में रखें, एक साइड में दोनों कोनों में एक एक लगाएं, जिससे क्या है पानी का मेंटेनेंस सही हो सकता है। और हीटर का एक प्रॉब्लम भी है, चैलेंज है, जो हीटर यूज़ करने वालों को
दिक्कत लगती है वो ये है कि हीटर चैलेंजेस जो है, अगर आप सब कुछ सही रखें फिर भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। दो कॉमन प्रॉब्लम है जैसा कि हीटर ब्रेक हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए बेहतर है कि आप हीटर गार्ड ज़रूर इस्तेमाल करें। कहीं कहीं कभी कहता जैसे कि ऑस्कर फिश है या कोई फिशेस जो है सिकलेट्स जो हैं कभी कभी हर्ट कर देती हैं फिल्टर्स को, ग्लास को, तो इसका ध्यान रखें कि आप ये एक्वेरियम स्टोर में आपको मिल जाएगा हीटर गार्ड ज़रूर लें। हीटर गार्ड लेकर रखेंगे इसे क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा हीटर और पानी को डैमेज नहीं होगा। अगर ब्रेक हो जाएगा तो पानी में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच कर फिशेस को हर्ट भी हो सकता है, फिशेस मर भी सकते हैं, इससे बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम है हीटर का कि समर के सीज़न में, कि बहुत से लोग करते हैं समर में किस तरह हीटर रखें क्योंकि ऑलरेडी पानी गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, तो उस वक्त क्या करें। देखिए इसका आसान तरीका ये है कि आप बहुत से तरीक़े हैं जिससे आप हीटर को जो है हाफ़ कर दें, तभी पानी गर्म ही रहता है। समर के मौके में क्या होता है, अगर हीटर आप हाफ़ कर दें तब भी जो है पानी गर्म रहता है। नॉर्मल फिशेज जो है एंजल फिश, गप्पीस, मौलीस और गोल्ड फिश, ऐसे फिशेज जो है सिल्वर शार फिशेज जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये गर्मी में भी रह लेंगी। लेकिन दूसरे फिशेज जो है सिचलेट्स हैं या दूसरे कैटेगरी फिशेज हैं उनके लिए आपका समर में उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में थोड़े सजेशन है जैसा कि आप लाइट को ऑफ़ कर दीजिए जिससे पानी गर्म नहीं होगा, और सूरज के सामने मत रखें, सूरज से गर्मी से थोड़ा बचाएं, साइड में रख दें जिससे भी क्या होगा गर्मी कम होगी। और फ्लूट आइस का एक आइस के क्यूब्स जो आते हैं उसको एक बैग में डालकर, एक प्लास्टिक बैग में डालकर उसको पानी में तैरने छोड़ दें। देखिए एक बात ज़रूर याद रखिए इसमें कि आइस क्यूब्स जो है डायरेक्ट पानी में ना डालें क्योंकि इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकता है फिशेस को जो हर्ट कर सकता है, टॉक्सिक ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से फिशेस को हर्ट कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि वो आइस क्यूब्स को जो है आइस के बर्फ़ के टुकड़ों को एक प्लास्टिक बैग में डालें और प्लास्टिक बैग जो है पानी के ऊपर तैरने छोड़ दें। इससे क्या होगा पानी भी ठंडा हो जाएगा और दूसरे फिशेस को पानी में केमिस्ट्री चेंज भी नहीं होगी और फिशेस को हर्ट भी नहीं होगा, तो इस तरह करें। और दूसरा और भी एक तरीका जैसा कि आप ऊपर का जो लीड है यानी टॉप है उसको निकाल दें, लेकिन इसके लिए भी एक डेंजर चीज़ है जो फिशेस जंप करने वाली हैं, फिशेस बाहर आ सकती हैं, इसका भी ख्याल रखें। और बेसिक टिप्स ऑफ हीटर के कितने तरीक़े हैं, देखिए आज तो ऑनलाइन में बहुत से हीटर बहुत अवेलेबल हैं कि आप कौन से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा ले कौन सा ना ले, कौन सा बेस्ट है, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल भी आते हैं और एक्सटर्नल भी आते हैं। जैसा कि एक्सटर्नल दो टाइप के आते हैं, जैसा कि लाइन इन हीटर होता है और इन फिल्टर हीटर होता है, और इंटरनल एक्सटर्नल जो है बहुत सी वैरायटी तीन टाइप की वैरायटीज होती हैं, जो कि हैंगिंग हीटर है, सबमर्सिबल हीटर कहते हैं और सबस्ट्रेट हीटर कहते हैं। हैंगिंग हीटर बहुत कॉमन हीटर है जो बहुत लेस एक्सपेंसिव में नहीं बहुत इनएक्सपेंसिव में मिल जाता है दूसरे हीटर के मुकाबले में, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है आप सबको, और बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, यह फिशेस को बहुत हेल्पफुल है होता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है कभी कभी ये ब्रेक भी होता है, इसके लिए आप जैसा मैंने कहा कि हीटर गार्ड का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि विदाउट हीटर गार्ड आप इस्तेमाल करेंगे कभी कभी ये जो है हीटर टूट सकता है, टूट के पानी को ब्रेक पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है जिसकी वजह से पानी के अंदर हार्ट डालने से आपको भी हर्ट होगा, फिशेस को भी हर्ट होगा और यहाँ तक के वायरिंग का फायर भी हो सकता है जो आपके घर के, इसलिए बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर ये अगर हीटर हैंगिंग हीटर यूज़ करें, जैसा कि सब लोग इस्तेमाल करते हैं 80% 70% या 60% यही लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हीटर गार्ड ज़रूर रखें। तो सबमर्सिबल हीटर जो टू टाइप्स के हैं वो कौन कौन से हैं, और सबमर्सिबल देखिए ये एक तरखम का हीटर होता है जो ग्लास के पीछे अटैच करते हैं इसको, जैसा कप्स के जो है नॉर्मल हीटर में आते हैं उस तरह हैंगिंग करते हैं, ये जो है गिलास के थ्रू से पानी को हीट करता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी ये जो है ज़्यादा हीट हो गया तो गिलास को ब्रेक कर सकता है जिसकी वजह से आपका टैंक ख़राब हो सकता है। और सबस्ट्रेट हीटर जो है इंटरनल हीटर के हिसाब से आता है, उस हीटर की एक वायर आती है जिसे नीचे डाल देते हैं, उसके ऊपर ग्रेवल रखते हैं जो ग्रेवल को वार्म करता है गर्म करता है, जिससे पानी भी गर्म रहता है हीटर भी गर्म रहता है, इससे पानी जो है मेंटेनेंस सही रहता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के
एक्वेरियम के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेवल जो है मिट्टी रहती है उसको वार्म रखता है, जिसकी वजह से उसकी प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो हेल्थी रहते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। इसको कहते हैं सबस्ट्रेट, जो ग्रेवल के अंदर रखते हैं, जो बाहर नज़र नहीं आता, ग्रेवल के अंदर ही रहता है, जो उसके ऊपर ग्रेवल के नीचे रखकर उसके ऊपर मिट्टी या अगर नॉर्मल है तो उसके ऊपर ग्रेवल डाल देते हैं। इनलाइन हीटर जो है 3 टाइप्स हैं, जैसे बताया कि इनलाइन हीटर यूजुअली प्लम्बिंग के हिसाब से यूज़ करते हैं, कि दूसरी पीस आती है जो बाहर इस्तेमाल करते हैं, एक पानी का पंप आता है जिसकी वजह से पानी को जो है उसके अंदर पुश करता है, एक बैग सा लगा रहता है पीछे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का लगा हुआ रहता है जो पानी को अंदर लेकर फिर पुश करता है अंदर, जिसकी वजह से पानी जो है हीट होकर चेंज होकर उसके अंदर फिर जाकर मिलता है, फिर वापस जो था पानी है उसके अंदर जाता है, फिर इसी तरह सर्कुलेट होता रहता है। और इनफिल्टर, दूसरा इनफिल्टर जो है वो ऐसा मॉडल है जो फिल्टर के अंदर ही हीटर इनबिल्ट रहता है। ये हीटर जो है बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि पानी को क्लीन करने के साथ साथ वाटर को भी हीट कर लेता है, यह भी बेहतर है। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि हैंगिंग हीटर आता है, जैसा कि नॉर्मल बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत आम है, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप एक नई एक्वेरियम ख़रीदें तो इसमें ये मिलता है आपको इंक्लूड। इससे क्या होगा, आप जैसा मैंने पहले इसके बारे में बताया था कि किस तरह आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए आप ज़रूर हीटर गार्ड रखें और फिल्टर के एकदम अपोजिट में लगाए, जिससे पानी जो है सही सर्कुलेट होगा। ये हेल्पफुल हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के तो बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि अपडेट जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ आपके पास अपडेट पहुँच जाए और पहले उसको देख सकें आप और आपको फ़ायदा हासिल हो। तो चलिए इसी वीडियो के साथ अलविदा कहते हैं, नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।